आवास गांव के सभी बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, इलाके से आए हुए सभी बुजुर्गों, मेरी माताओं, मेरी बहनों, पत्रकार साथियों, आज पूरे हरियाणा प्रदेश में कैथल से लेके डब्बावाली, डब्बावाली से लेके लुवारू, लुवारू से लेके होटल तक पूरा हरियाणा कांग्रेस में समा चुका है। पूरे प्रदेश में आंधी नहीं, तूफान है, और इस तूफान में कोई बच नहीं सकता। जयप्रकाश की दौका क्या है, मैं आप यकीन से एक बात मानिए, यह चुनाव सबके बस का नहीं था। यह चुनाव लोग से लोग भिड़ रहे हैं, वरना दूसरा आदमी की हिम्मत नहीं थी मैं जो चुनाव लड़ा। और मैं तो यह मानता हूं कि राजवीर भाटिया टिकट का उम्मीदवार मैं भी था, लेकिन यो समाज सेवक बड़ा था मेरे से कूद के लिए आया। लेकिन एक बात दाव के साथ कह सकता हूं मैं, जितना दिल इस भाई को दिया है भगवान ने किसी को नहीं दिया। दुनिया के पास पैसा बहुत है, अरबों रुपया चढ़ रहा है, लेकिन 5-5 लाख, 10-10 लाख, 20-20 लाख, 50-50 लाख रुपए इस भाई ने ऐसे फेंके गरीबों के लिए, गौशालों के लिए, धर्मशालाओं के लिए, हमारी बहन बेटियों के लिए। कोई माई का लाल ऐसा नहीं करता। धन्य उस माँ को जिसने इस भाई को पैदा किया। और मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ आपके बीच में, ज्यादा लंबा रहना नहीं चाहता। दोस्तों, सारे इलाका बैठा है लुवारू का, ऐसा काम कर दो कि जयप्रकाश के देखो देखो और भी बाहर का आदमी यो विश्वास कर और आ जाओ। बच्चों ने पंचाल कहा था भैया, चौमासे में गादरी बोले पानी पीगी थी, तो लोहार वाला भी यू सबक सिखा दो, दोबारा तो और भी कोई मत ना करे। और मैं ये देखना चाहता हूँ इलाके के बुजुर्गो, नौजवान दोस्तों, के 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा 11 बजे, तो दुनिया के सबसे बड़ा रेडियो बीबीसी बोलेगा के लोहारू निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार श्री राजवीर सिंह भाटिया अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जयप्रकाश से 48,000 वोट आगे चल रहे। यो काम करते होगा ना, हाथ खड़ा करो ऊपर ने, तो जज की आज नींद को जाओ रहा था भाई। तो साथियों, मैं आपके बीच में ज्यादा नहीं रहता हुआ, अपने अपने बूथ को संभालो, अपने अपने गांव को संभालो और अपने इलाके को संभालो। आपने मेरी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। भाई राजवीर भाटिया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाई राजवीर भाटिया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाई राजवीर भाटिया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाई राजवीर भाटिया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जोरदार तालियां, स्वागत, जोरदार तालियां। और मैं निवेदन करना चाहूंगा मेरे युवाओं का जोश और जज्बे को सलाम करते हुए सुंदर ढंग से माताओं, मेरी बहनों, पत्रकार साथियों, आज पूरे हरियाणा प्रदेश में कैथल से लेके डब्बावाली, डब्बावाली से लेके लुवारू, लुवारू से लेके होटल तक पूरा हरियाणा कांग्रेस में समा चुका है। पूरे प्रदेश में आंधी नहीं, तूफान है, और इस तूफान में कोई बच नहीं सकता। जयप्रकाश की दौका क्या है, मैं आप यकीन से एक बात मानिए, यह चुनाव सबके बस का नहीं था। यह चुनाव लोग से लोग भिड़ रहे हैं, वरना दूसरा आदमी की हिम्मत नहीं थी मैं जो चुनाव लड़ा। और मैं तो यह मानता हूं कि राजवीर भाटिया टिकट का उम्मीदवार मैं भी था, लेकिन यो समाज सेवक बड़ा था मेरे से कूद के लिए आया। लेकिन एक बात दाव के साथ कह सकता हूं मैं, जितना दिल इस भाई को दिया है भगवान ने किसी को नहीं दिया। दुनिया के पास पैसा बहुत है, अरबों रुपया चढ़ रहा है, लेकिन 5-5 लाख, 10-10 लाख, 20-20 लाख, 50-50 लाख रुपए इस भाई ने ऐसे फेंके गरीबों के लिए, गौशालों के लिए, धर्मशालाओं के लिए, हमारी बहन बेटियों के लिए। कोई माई का लाल ऐसा नहीं करता। धन्य उस माँ को जिसने इस भाई को पैदा किया।
करना चाहता हूँ, आपके बीच में ज्यादा लंबा रहना नहीं चाहता। दोस्तों सारे इलाका बैठा है लोहारू का, ऐसा काम कर दो कि जयप्रकाश के देखो देखो और भी बाहर का आदमी यो विश्वास कर लोहारू आ जाए। तो चौधरी बंसाल का आया था भैया, चौमासे में गादरी बोले पानी पीगी थी, तो लोहारू वाला इनको यू सबक सिखा दो दोबारा तो और भी कोई हिम्मत ना करे। और मैं ये देखना चाहता हूँ इलाके के बुजुर्गों नौजवान दोस्तों के 8 तारीख को जो बजट आएगा 11 बजे, तो उस दुनिया के सबसे बड़ा रेडियो बीबीसी बोलेगा कि लोहारू निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार श्री राजवीर सिंह फलटिया अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जयप्रकाश से 48,000 वोट आगे चल रहे। जो काम करते होगा ना हाथ खड़ा करो ऊपर तो जज के आज हो रहा है तेरा भाई। तो साथियों मैं आपके बीच में ज्यादा नहीं रहता हूँ, अपने अपने बूथ को संभालो, अपने अपने गांव को संभालो और अपने इलाके को संभालो। आपने मेरी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।